हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ में गोभी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही जल्द ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है और खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप चाहे तो इसे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में या लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरी वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं हम सब्ज़ी। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाली हूँ। ऑयल को हम अभी गर्म करेंगे और ये मैं ले रही हूँ 200 ग्राम गोभी, जिसे मैंने कट करके अच्छी तरीके से वॉश करके रखी हूँ। साथ में दो मीडियम साइज़ के आलू को भी कट करके रखी हूँ और दो मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को भी मैंने क्यूब साइज़ में कट करके रखी हूँ। फिर तेल गर्म होने के बाद में मैंने यहाँ पर गोभी को एक मिनट तक के लिए फ्राई करी हूँ मीडियम फ्लेम में। एक मिनट के बाद में मैं इसमें आलू डाल देती हूँ। आलू को भी हम फ्राई करेंगे गोभी के साथ में। एक से दो मिनट के बाद में हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्ची को सबसे हम आखिर में डालेंगे, शुरू में साथ में नहीं डालेंगे। अब इन सबको डालने के बाद में एक से दो मिनट तक के लिए मैं मीडियम फ्लेम में फ्राई करूंगी। और यहाँ पे मैं इसमें एक छोटा चम्मच नमक भी डाल देती हूँ। नमक डालने के बाद में इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और अभी मैंने हाई कर दी हूँ फ्लेम को, हाई फ्लेम में मैं अभी इसे फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए जो हमारी सब्ज़ी है वो अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का ही फ्राई करना है। फिर पूरी सब्ज़ी को मैं निकाल के एक साइड में रख ली हूँ। अब जो पैन है उसमें मैं थोड़ा सा तेल और ऐड कर दी हूँ। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा मैंने इसमें ज़ीरा डाल दी हूँ एक छोटा चम्मच, और उसके साथ में मैं इसमें डाल दी हूँ हींग। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक प्याज, बारीक कटी हुई मीडियम साइज़ की प्याज है। अब प्याज को हम इसमें डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए मैं इसी तरीके से इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ देखिए जो हमारी प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज़ के लिए हैं, इसे मैंने चॉप करके डाल दी हूँ। अब फिर से एक बार मैं इसे मिक्स कर दे रही हूँ। मीडियम फ्लेम में ही मैं इन सबको अभी कुक कर रही हूँ, हाई फ्लेम में नहीं। और साथ में एक छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना भी नमक आप खाते हो। फ्राई करते समय मैंने गोभी आलू और शिमला मिर्ची में भी नमक डाली हुई हूँ। तो नमक डालने के बाद में देखिए जो टमाटर है वो पूरा गल चुका है, प्याज भी हमारी अच्छी तरीके से तला ही चुकी थी पहले से। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच, साथ में इसमें आधा चम्मच डाल दूंगी मैं हल्दी पाउडर। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी तीखा आप खाते हो। मेरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी है इसलिए मैंने एक छोटा चम्मच इसमें मिर्ची डाली हूँ। और अब मसाला पूरा भुना चुका है तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और जो मसाले हैं वो जल ना जाए। तो यहाँ देखिए जो हमारा मसाला है वो भुना चुका है। तो जो हमने गोभी आलू और शिमला मिर्च को फ्राई करके रखे थे अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और इन सबको अच्छी तरीके से अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारी गोभी आलू और शिमला मिर्ची अभी से कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि जो आलू शिमला मिर्च है वो अच्छी तरीके से गल जाए। तो एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में हम इसमें लीड लगा देंगे और 5 मिनट तक के लिए इसे धीमी आँच में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट के बाद में देखिए जो हमारी सब्ज़ी है वो पूरी तरीके से गल चुकी है। जो गोभी है वो भी गल चुके हैं, आलू भी पूरे गल चुके हैं। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं गए हैं, फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ में, चावल के साथ में सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप मेरे वीडियो में बिल्कुल फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि कभी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।